Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Shri Vrindavan Dham ki jai. Shri Vrindavan Dham ke bare mein jo Shripad ji likhe hai usme varnan karte hai ki Vrindavan ki shobha kya kya hai. To batate hain Vrindavan ke vrikshon ke bare mein, Yamuna ke bare mein, Shri Giriraj ji ke bare mein, Shri Gauon ke bare mein. Batate hain ki Vrindavan Dham kis prakar hai, jo Chintamani se banaya hai dham hai. ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी इसका वर्णन करते हैं. चिंतामणि प्रकर साधम सुकल्प वृक्षा लक्षा वृतेश सुरभि रवि पालयंतम लक्ष्मी सहस्र सरसम ब्रह्म सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषोत्तम भजन. वृंदावन धाम में चिंतामणि से बना था. इसके जो वृक्ष है कल्प वृक्ष है, और ये जो गाय है यहाँ पर वो साधारण गाय नहीं होते. यहाँ पर जो गाय होती है वो सुरभि गाय होती है, और यहाँ पर जो सेवा करने वाली स्वयं लक्ष्मी जी जो बैकुंठ लोक की निवासिनी हैं, वो अधिष्ठात्री देवी बैकुंठ की, वो श्री धाम में सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है. ये ऐसा धाम है. इस धाम में गिरिराज जी की शोभा के बारे में बताते हैं. गिरिराज जी स्वयं श्री कृष्ण का स्वरूप है. भगवान गिरिराज लीला में बताते हैं कि सैलो अस्मि, मैं ही गिरिराज हूँ. जब भगवान गिरिराज जी का पूजन कराए तो अपना ही स्वरूप उसमें दिखा करके वो सारा भोग को अर्पण करते हैं, और ये कहीं नहीं बोले भगवान, लेकिन ब्रज में ही बोले कि स्वयं गिरिराज जी में ही. इसलिए गिरिराज जी की महानता इसमें बहुत है. गिरिराज जी बहुत सुंदर है. इसमें सुंदर सुंदर गुफाएं जिसमें भगवान अलग अलग लीलाएँ करते हैं, खेल करते हैं, सुंदर झरने हैं, वृक्ष हैं, और सारे पशु पक्षी यहाँ को देखने को मिलते हैं. बहुत सुंदर सुंदर भगवान बांसुरी बजाते हैं तो सारे पशु पक्षी मोर उनके साथ में आके नृत्य करने लग जाते हैं भगवान के साथ में. लेकिन जो पशु नृत्य नहीं कर सकते वो गिरिराज जी की तलेटी में जा करके, शिखर पर जा करके वो भगवान को देखने लग जाते हैं. गांव के जो बच्चे हैं वो दूध पीना बंद कर देते हैं और भगवान को एकटक देखने लग जाते हैं. इतना सुंदर यहाँ का छवि है.